वहीं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने शशि थरूर समेत 8 से ज्यादा नेता, पत्रकार और समाज सेवियों पर FIR दर्ज होने के मामले में कहा कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए, फिर चाहे मैं ही क्यों ना हूं। वहीं गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि वो हंसी का पात्र बन गए हैं, कोई भी उनको सीरियस नहीं लेता। तो लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर कांग्रेस के साइकिल प्रदर्शन पर गुप्ता ने कहा कि विपक्ष को कुछ तो करना चाहिए, अब जनता ने हमें तो सत्ता दी है, उनको तो जनता 15 महीने में ही समझ गई। 2 साल से कांग्रेस अध्यक्ष पद खाली है और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एक ही है। कांग्रेस नेता तो आपस में ही लड़ रहे हैं, उन्हें जनता की चिंता नहीं है। संवैधानिक नियम कायदे व्यवस्थाएं हैं, रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट कोई जाएगा उसके खिलाफ FIR होगी, उसमें उमाशंकर गुप्ता हूं या शशि थरूर हूं, तो जो भी उसके उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कोई शिकायत होगी तो FIR होगी। शशि थरूर जी के खिलाफ भी इसलिए FIR हुई। दिग्विजय सिंह को कहां गंभीरता से लेते हो, आप भी उनको हंसी मजाक का पात्र बना के रखे हो। कुछ तो भी कहना, कौन किसके साथ रहा ये देश पूरा जानता है, और कौन अब देश के सम्मान की रक्षा कर रहा है, स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है, कौन देश का महत्व तो दुनिया में बढ़ा रहा है, ये भी हिंदुस्तान की जनता ने बहुत अच्छे ढंग से तुलना कर ली और देख लिया है। तब दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जो कि राजनीतिक दृष्टि से गर्त में चले गए हैं, और मीडिया में ऐसा कुछ नहीं बोले तो फिर वो छपेंगे नहीं, न दिखेंगे। जो प्रभारी आते हैं वो दौरे करते हैं, वो कांग्रेस के नेताओं के झगड़े में मंच पर उलझे रहते हैं। ग्राउंड से कांग्रेस बुरी तरह कट गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे प्रजातंत्र में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, हमारी ऐसी मानना है, लेकिन कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, कोई लीडरशिप नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करने में 2-2 साल लग रहे हैं।